मैंने आपका नाम सुना और मैंने गूगल किया थोड़ा सा तो मैंने पूछा एक दो लोगों से कि क्या ये यही एक्ट्रेस यही इंसान है तो लोगों ने कहा नहीं नहीं ये वो नहीं है <laughs> मैं कहा ये वो हो नहीं सकती ठीक <laughs> है इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज आप यूर अ फुल ब्राइट स्कॉलर विद अ मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने दो साल वॉशिंगटन में पढ़ा वहाँ पढ़ते हुए आपने प्रो पैलेस्टाइन कैंपेनिंग की आपने ग्लोबल चेंज क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की वहाँ से वहाँ रहते हुए बल्कि आपकी कज़न ऑफ योर्स वॉज बिकेम अ विक्टिम ऑफ गन वायलेंस इन द स्कूल शी एक्सचेंज स्टूडेंट उनके लिए आपने को अथर किए एक मूवमेंट चलाई और गन सेफ्टी रूल्स जो थे वो उनका बिल आई थिंक पास कराया उनके नाम पे तो एक्टिविज्म आपकी फुल फ्रेश थी वापस आ पाई तो यूथ कोटा बिल उसके लिए आपने आवाज़ उठाई और काफ़ी आपने काम किया उस पर काफ़ी अनथक काम किया ये करते करते आई वुड थिंक आपका एक बड़ा सॉलिड करियर पाथ था इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज़ अ टूल फॉर चेंज फॉर द यूथ और uh, ये सब कुछ के बीच में ऐसा क्या हुआ कि आपने जाके ये सब कुछ रोके और वेंट और इन आपने एक का इस्तेमाल किया कि बहुत ही अनथक जी मेहनत थी अनथक mm. जर्नी थी वाकई अनथक थी मैं बहुत थक गई गई मैं बहुत थक गई थी स्पेशली uh, यूएस में mm. जब आप एक एक्सचेंज स्टूडेंट होते हैं जब आप एक फुल ब्राइट स्कॉलर होते हैं और आप पैलेस्टीन मूवमेंट में अब तो खैर सबको आम फहम सी बात है बॉयकॉट डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शन की एक मूवमेंट होती है बी डी एस मूवमेंट इट्स द लार्जेस्ट मूवमेंट जो ग्लोबली बी डी एस प्रो पेस्टीनियन मूवमेंट है उसमें डायवेस्ट कैंपेन हमने अपनी यूनिवर्सिटी में मैं सैनिटर थी अपनी यूनिवर्सिटी की इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट हुई थी स्टूडेंट सैनिटर थी तो चार सेनेटर्स ने एक कैंपेन एक रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया था नहीं उसको सपोर्ट किया था उसको लिखा था और वो जो तीन महीने का अरसा था हमारे ऊपर हर तरह का अटैक हुआ बाकायदा पोस्टर्स चिपकाए गए कैंपस पे इस पे शेम लिखा गया बड़ा बड़ा हमारी तस्वीरों के साथ हमारी फैमिली से रता किया गया और सबसे वनरेबल मैं थी क्योंकि मैं तो वहां की थी भी नहीं आई वॉज मुस्लिम आई वॉज पाकिस्तानी आप यकीन करें कैंपस पे हम चल रहे होते थे तो पीछे देख देख के चलना पड़ता तो मैं सोचती hmm. थी मैं वाशिंगटन डीसी में आके hmm. ये गौथम टाइप की फीलिंग्स क्यों आ रही है मुझे यू नो इट फेल्ट लाइक दैट तो, uh, uh, okay, <laughs> तो पीरियड गुजरा और उसके बाद आई तेलवीव से होती थी hmm. इसराइल के अंदर बैठे हुए जर्नलिस्ट यूज कोई भी आज मेरा नाम गूगल करेगा तो पहले ही सर्च पेज पे कनेरी मिशन पे hmm. मेरा नाम आएगा कनेरी मिशन इज अ ब्लैक लिस्ट जो प्रो right. वाजे होती है पूरी दुनिया में वीमिया hmm. के अंदर या कहीं पे भी वो कनेरी मिशन पे आ जाती है hmm. और कनेरी मिशन पे जो फलस्ती आते हैं उनको तो गाजा और वेस्ट बैंक में एंट्री भी नहीं मिलती hmm. तो बहरा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो तीन महीने बड़े ड्राउन है गुजर मैंने तहैया कर लिया था कि अब मैं एक्टिविज्म से जो है थोड़ा सा अपने आप को आराम से ना आखिरी जो मेरा साल है ग्रेजुएट का मैं वेकेशन करूंगी घूमूंगी टिपिकल लाइफ एंजॉय करूंगी टिपिकल एक्सचेंज टू और एक महीने बाद ही अठारह मई दो हज़ार अठारह को सभी का जी सभी का शेख मेरी कज़न वी व बॉन्ड इन द सेम हाउस वी ग्रू अप इन द सेम हाउस और मैं उसके पीछे पढ़ पढ़ के मैंने उसे इस एक्सचेंज प्रोग्राम में ज़बरदस्ती भेजा था तो उसका हाई स्कूल का प्रोग्राम था सत्रह साल की थी वो वापस ही आने वाली थी यानी कि ये प्लानिंग चल रही थी फ़ोन पे किफ तारी के क्या खाने बनने हैं अगले हफ्ते मतलब बस थोड़ा सा ही दो तीन हफ्ते का टाइम रह गया था उसकी वापसी में स्कूल जाती है वो क्लास में बैठी हुई थी एक शूटर आता है जो कि उसी स्कूल का स्टूडेंट था और ओपन फायरिंग करता है दस लोग मर जाते हैं सभी का फिर मैं वाशिंगटन से टेक्सास गई टेक्सास में हुआ था जी, मैं, मैं, उसकी बॉडी को पाकिस्तान लेकर आई hmm. और फिर मैं वापस अमेरिका एक मेरा ग्रेजुएट का साल रहता था मगर वापस जाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था hmm. कि सभी का के लिए कुछ करना है और वो पूरा एक साल का अरसा जो है मैं बाकायदा गन लॉबी आप मतलब आई स्ट्रगल विद वर्ड्स

जी right. जी जी बिल्कुल बिल्कुल <laughs> तो भारत मुआवजा ये हुआ कि वो एक साल में बिल लिखती रही एक्टिविज्म hmm. करती रही हर जगह जाके स्पीचेस दी एंड व्हाट नॉट मेरा ये मैं इसको मुआवजा समझती हूँ जुलाई को मेरी अमेरिका से वापसी थी hmm. और छब्बीस जुलाई विच द लास्ट वर्किंग डे जो आखिरी वर्किंग डे था जी. उसको मुझे एक दिन पहले कॉल आती है कि जी कल हम सभी का के बिल्स कांग्रेस में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो पास नहीं हुए वो बिल्स क्योंकि इतना आसान नहीं है मगर वो इंट्रोड्यूस हो गए थे सभी का शेख के नाम से हमने तीन बिल्स लिखे थे और वो कांग्रेस में कमेटी के अंदर है राइट तो वहाँ से भी मैं पढ़ाई करके आ गई पाकिस्तान और मुझे लगा अब तो भाई अब बस बहुत मेहनत कर ली लाइफ में अब बस चिलिंग्स है आसानियाँ hmm. ही आसानियाँ ठीक है, असानी है। hmm. वो नहीं थी नहीं थी और ये मैं सा आए... साल है मैं आई दो हज़ार कर लिया है काम अब मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और मैं अपने पेरेंट्स को जो है इस्लामाबाद मूव करवाऊंगी क्योंकि मेरी अम्मा जो है मेरी मदर वो गालिबन पिछले जन्म में स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी तो शीज वो ऐसी इंसान है कि उनको बस एस्थेटिक्स चाहिए हर जगह तो कराची ऑफर नहीं कर रहा था तो वो जॉब मिलने में भी मुझे पाँच छः महीने लग गए रुक जाए आप जॉब तक रुक जाते हैं थोड़ा है। सा रिवाइन करें मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप यू नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं कोई एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन फैमिली में नहीं है ब्यूरोक्रेट शोबेस से है मतलब अच्छा मेरी फैमिली में एक हल्का सा पॉलिटिकल कनेक्शन ये है कि मेरे जो फादर हैं

उसके बाद वो जॉब जॉब जैसी मिली अच्छा में ऐसा रहा था उसके बाद कम से कम उन्होंने फैसला कर लिया था वी कॉन्ट लिवर अन्टली इतनी थी मदर टू बी राइट भारत को इस्लामा लेके चली गई और इस्लामा हम जैसी पहुंचे बारिशें हो रही थी हर तरफ ब्यूटी खूबसूरत बहुत

तुम्हारी तो तीन तिहाई जिंदगी लैपटॉप पे गुजर गई है yeah. और कोविड में मुझे एक ऐसा एग्जिस्टेंशियल yeah. क्राइसिस हुआ क्योंकि दो लोग जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी yeah. उन्होंने मुझे एज एक्टर्स एंड एज स्टार्स देव इम्पैक्टेड मी